दोस्तों, ये कुआं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पांडवों द्वारा 5000 वर्ष पहले एक दिन में बनाया गया था। तो आगे वीडियो में आपको इस कुएं के अंदर लेकर जाऊंगा, तो आपको वहां का व्यू दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब हिमाचल वेब टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो तलवाड़ा से 4 किलोमीटर श्री पंडार में ये मंदिर स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर का जो इतिहास है, ये पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वहाँ पर एक कुआ है जो पांडवों ने 5000 साल पहले एक दिन में बनाकर तैयार किया था। दोस्तों, फाइनली हम मंदिर की ओर पहुँच चुके हैं, तो आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, 5000 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर श्री पंडार। तो चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के और आपको दिखाएंगे 5000 साल पुराना कुआ। तो ये रहा वो कुआ, तो आप जहाँ लिखा देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर, जय प्राचीन शिव मंदिर एव कुआ 5000 वर्ष पूर्व पांडवों द्वारा ज्ञातवास के दौरान एक रात में बनाया गया था। दोस्तों, मैं आपको कुआ अंदर से दिखाने जा रहा हूँ, तो आप जो देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो इन सीढ़ियों के रास्ते से हम कुएं की ओर जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको नीचे जाके कुएं का पानी दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं जहाँ में कुछ आकृति बनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है ओम। जी हाँ दोस्तों, ये रहा 5000 वर्ष पहले पांडवों द्वारा निकाला गया कुआं। तो आप देख सकते हैं कुएं के बिल्कुल नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो पानी है जो सीढ़ियों तक पहुँच चुका है। दोस्तों, आपको जहाँ का व्यू कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम कुएं के बाहरली ओर जा रहे हैं, तो आपको आगे जाकर शिव जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, आप सामने मंदिर देख ही सकते हैं, ये है शिव भगवान का मंदिर है जो जहाँ बनाया गया है। तो पांडवों ने जहाँ पर अज्ञातवास के दौरान शिव जी की पूजा की थी, तो आपको आगे जाकर मैं शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जो 5000 साल पहले पांडवों ने स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं लेकर जा रहा हूँ आपको जहाँ पर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी। भोले शंकर के दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये है नंदी महाराज। तो देर न करते हुए मंदिर की ओर मैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने शिवलिंग देख सकते हैं, ये पांडवों द्वारा 5000 वर्ष पहले जहाँ पर स्थापित किया गया था और पांडवों ने जहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की थी, तो आप देख सकते हैं सामने शिवलिंग। दोस्तों, आप जो पीपल के पेड़ के नीचे आकृतियां देख रहे हैं, ये पांडवों द्वारा 5000 वर्ष पहले जहां पर स्थापित की गई थी। दोस्तों, ये आप एक पेड़ देख सकते हैं, इस पेड़ का नाम तो मालूम नहीं है, तो ये पेड़ भी बहुत पुराना है, तो व्यू बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो मंदिर के बीचों बीच एक आपको पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही बड़ा है जो ये पीपल का पेड़।